अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेंडिंग रोटी रैप या फिर टोटीला ब्रेड। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं साथ ही आपको बताऊंगी तीन अमेजिंग रैप्स जो कि बहुत इजी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गेहूँ का आटा। आधी चाय की चम्मच चीनी ली है यहाँ पे मैंने, और 1 चाय की चम्मच यहाँ पे नमक की जाएगी। पहले इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गए। यहाँ पे अब मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये वेजिटेबल ऑयल है, 2 खाने के चम्मच। इसे भी हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अब मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ, यानी कि नीम गर्म है। पानी आपने इतना लेना है कि ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। देखें, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और तकरीबन 1 गिलास पानी का लगा है। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया, इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब डोई की मदद से हम इसे अच्छे से गोल रोटी में फैला लेते हैं। आपने जिस साइज़ की रोटी बनानी है इतना फैला लें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर पतली रोटी डालनी है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। रोटी के ऊपर बुलबुले आने लगे हैं, यानी कि इसकी एक साइड पक गई है। अब इसको केयरफुली पलट लीजिएगा। पहली रोटी थोड़ी सी चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे पैन गर्म होगा तो रोटी बहुत अच्छे से पकेगी और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने दोनों साइड्स को पका लिया है। अब देखिए हमारी ब्रेड कितनी आसानी से रेडी हो गई है। अब चलें इसी तरह से एक और रोटी मैं आपको फैला के दिखा देती हूँ। आपने डोई की मदद से इसको फैला लेना है। 3 से 4 मिनट एक साइड को सेक देना है। देखिए कितने अच्छे से इस पर बबल्स आ गए। अब इसको पलट लेना है और इसी तरह से दूसरी साइड को भी आपने पका लेना है। फ्लेम को आपने दरमियाना ही रखना है। देखिए रेडी है। इसी तरह से बाकी रोटियां तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारी टोटीला ब्रेड या फिर रोटी बिल्कुल रेडी है। ये कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनी है। आप इसे शॉर्मा, रैप, रोल, पराठा भी रेडी कर सकते हैं और चाहे तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम पहला रैप रेडी करने जा रहे हैं। पहले एक साइड से इसको कट लगा लेना है। देखिए, आपने इस तरह से कट लगाना है कि हमें इस तरह 4 रोहों में इसको फोल्ड करना है। तो है ना बहुत आसान। तो चलिए अब अपनी मर्ज़ी की इसमें ड्रेसिंग कर लेते हैं। पहला रैप मैं नाश्ते के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हनी का ऐड कर रही हूँ, यानी कि शहद का। आप चाहें तो इसकी जगह जैम भी लगा सकते हैं। दूसरी टॉपिंग यहाँ पे मैं चॉकलेट सॉस की करूँगी। शहद के साथ चॉकलेट सॉस का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होता है। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ केले जो कि मैंने काट के रख लिए थे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और देखिए एक ही रोटी में आपको कितनी वेरिएशन खाने को मिलती है। अब 4th लेयर यहाँ पर मैं क्रीम चीज़ के लगा रही हूँ। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग चूज़ कर सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं और एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट उनका झटपट रेडी हो सकता है। चलिए इसको रैप कर लेते हैं और देखें थाना बहुत आसान। हमारा मज़ेदार झटपट नाश्ता रेडी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रैप की तरफ। इसी तरह से कट लगा लेते हैं और देखिए हमने इसकी 4 पार्टीशंस बनानी है। अब चलें ऐड करते हैं इसमें कुछ टॉपिंग्स को। पहली पार्टीशन यहाँ पर मैं फ्राइज़ के लगा रही हूँ। साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ लेटिस, यानी कि सलाद के पत्ते। कुछ टमाटर इस पर डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का फ्राई करके रखा हुआ था, तो इसके कुछ चंक्स ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें लगा देते हैं चीज़ सॉस। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग ले सकते हैं। अब चलिए इसे भी फोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। आप इसे लंच में या फिर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने 3rd रैप की तरफ। ये हम वेज रैप रेडी करने जा रहे हैं। 1st पार्टीशन में डालते हैं कुछ फ्राइज, कुछ सलाद के पत्ते, टमाटर और साथ ही कुछ प्याज रख लेते हैं जो मैंने इस तरह से काट लिए थे रिंग्स में। यहाँ पे मैं चीज़ सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं।
और इसमें डालते हैं कुछ केचप। आप पिज़्ज़ा सॉस भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। और बस हमारा थर्ड रैप भी रेडी है। देखिए एक ही रैप में आप कितने फ्लेवर्स इंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए इन्हें सेक लेते हैं। यहाँ पे पैन को मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। आप चाहें तो इसकी जगह ग्रिल पैन भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी वेरिएशन आ जाएगी उससे भी। अब इसकी दोनों साइड्स को सेक लेते हैं ताकि हमारे रैप्स थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। मैंने इसकी दोनों साइड सेक ली थी। अब चले इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल 5 से 10 मिनट में आप इन्हें रेडी कर सकते हैं। और बस ये हो गया। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में इंजॉय करें, लंच में, डिनर में या फिर चाय के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, झटपट रेडी हो जाते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।